नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज के क्लास में आप सभी को यह बताया जाना है कि किस प्रकार से आप निबंध लेखन आरंभ करें, और साथ में यह भी बताया जाएगा कि निबंध के भी कौन से महत्वपूर्ण पाठ हैं जिनका समायोजन आप प्रत्येक स्थिति में अवश्य ही करेंगे। अर्थात साथियों, आज जो पाठ आप सभी को मेरे द्वारा बताया जाना है, उस निबंध के पार्ट को आप किसी भी टॉपिक में अवश्य ही समायोजित करेंगे। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं निबंध के वे महत्वपूर्ण पार्ट जिनके अभाव में आप अधिकतम अंक निबंध में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि निबंध का जो प्रथम पार्ट होता है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, और जो निबंध की प्रथम दृष्टि होती है, और जिसमें हम निबंध से संबंधित जो टॉपिक होता है, प्रथम एक से दो लाइन में उसकी मूल बातों को अवश्य लिखते हैं। अब प्रस्तावना जो हम लिखते हैं निबंध का, वो लगभग 7 से 8 लाइन में आप कवर करते हैं, ठीक है। अब प्रस्तावना जो होता है वो आप 7 से 8 लाइन में कवर करते हैं, और इस 7 और 8 लाइन में निबंध के जितने भी मूल चीज़ें हैं उसको आप एक दृष्टि में अवश्य ही लिखने का प्रयास करते हैं। साथ में आपका जो अप्रोच होना चाहिए ऐसे राइटिंग स्टार्ट करने का, वो आपका पॉजिटिव ही होने चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं, क्या प्रस्तावना जब आप लिख रहे हैं अर्थात निबंध का प्रथम पार्ट, तो क्या उसमें हेडिंग की आवश्यकता होगी? मैं कहूँगी कदापि नहीं। ये बस आपके समझने का विषय है कि जो प्रथम पैराग्राफ होता है जिसे हम प्रस्तावना के रूप में समझते हैं, उसको हेडिंग के रूप में लिखना नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आपको आरंभ कर देना है। और प्रस्तावना कैसे लिखें, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। साथियों, जैसा कि यह जो क्लास है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा से संबंधित जो एसे राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उसके संबंध में, तो आप सभी को अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा में 3 निबंध पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीनों निबंध की जो शुरुआत होगी वो 3 प्रकार से आपको करना है। अर्थात जो प्रथम निबंध होगा आप प्रयास करेंगे उस निबंध की शुरुआत आप कोटेशन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। जो द्वितीय निबंध होगा उसकी शुरुआत आप वर्तमान परिस्थितियों के क्रम में करेंगे, और जो तृतीय निबंध होगा उसकी शुरुआत आप कहेंगे कि कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता का वास होता है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए शिक्षा है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, कहा जाता है कि जो घर शिक्षित होता है वो घर हर दुर्गर से दूर रहता है। तो इस प्रकार से आप अपने निबंध की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अब हम आते हैं निबंध के द्वितीय पाठ में। प्रथम पाठ आपका प्रस्तावना हुआ, द्वितीय पाठ आपका निबंध का मुख्य भाग के रूप में मेरे द्वारा आप सभी को प्रस्तुत किया जा रहा है, और मुख्य पाठ 3 उप भागों में विभाजित है। जी हाँ, निबंध का जो द्वितीय पाठ है वह 3 उप भागों में विभाजित है। प्रथम जो भाग होगा लगभग 3 से 4 लाइन का होगा, ठीक है। अर्थात द्वितीय भाग का जो प्रथम उप भाग होगा वो 3 से 4 लाइन में आपको लिखना है, और प्राचीन परिदृश्य इस 3 से 4 लाइन में आपको समायोजित करना है, क्योंकि आप सभी के पास शब्द सीमा काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो निबंध के मुख्य पाठ का जो प्रथम उपपाठ है वो आप हिस्टोरिकल पॉइंट उसमें लिखेंगे। जो द्वितीय पाठ होगा अर्थात निबंध के द्वितीय पाठ का द्वितीय उपभाग होगा वो होता है निबंध का सार संक्षिप्तीकरण, फैक्ट विश्लेषण का समायोजन, जो कि आपको 2 पैराग्राफ में लिखना है। अर्थात 7-7 लाइन का 2 पैराग्राफ, लगभग 14 से 15 लाइन में आपको द्वितीय पाठ के द्वितीय उपभाग को 2 पैराग्राफ में समायोजित करना है, ठीक। यहाँ क्लियर होना चाहिए। और इस पाठ में आप निबंध के जितने भी महत्वपूर्ण पाठ अर्थात तत्व हैं, तथ्य हैं, विश्लेषण है, उसका समायोजन आप करते हैं, ठीक है। और टॉपिक से रिलेटेड ही सभी तथ्यों विश्लेषणात्मक आयाम से आप प्रस्तुत करते हैं। अब हम आते हैं निबंध के द्वितीय पाठ के तृतीय उपभाग में, ठीक। तृतीय उपभाग में आप संबंधित टॉपिक के अर्थात एसे से संबंधित टॉपिक के करेंट
से रिलेटेड पॉइंट को आप इसमें लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं पर्यावरण पर, आप लिख रहे हैं निबंध आपदा प्रबंधन पर, आप लिख रहे हैं निबंध भारत की विदेश नीति महाशक्तियों से संबंध पर, आप लिख रहे हैं निबंध साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड, आप निबंध लिख रहे हैं शिक्षा से रिलेटेड, आप निबंध लिख रहे हैं महिला सशक्तिकरण से संबंधित, आप राष्ट्र निर्माण से संबंधित जो निबंध लिख रहे हैं, ये जो जितने टॉपिक मेरे द्वारा आप सभी को बताई गई हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में बताई गई हैं। और जो भी टॉपिक आपके इससे रिलेटेड होता है वो निश्चित रूप से साथियों करंट में अवश्य ही चर्चा का केंद्र होता है। तो करंट से रिलेटेड जो बिंदुएं होती हैं उसको आप निबंध के द्वितीय भाग के तृतीय उप भाग में अवश्य ही समायोजित करते हैं। अब हम आते हैं निबंध के तृतीय पार्ट में। जी हाँ, निबंध के तृतीय पार्ट में मेरे द्वारा अभी तक आपको बताया गया निबंध का जो प्रथम भाग है वो प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। हेडिंग नहीं लिखना है आपको, ठीक है, बस पैराग्राफ के रूप में अपने प्रस्तावना लिखेंगे। जो द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग को तीन उपभागों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो उपभाग है वो आपका हिस्टोरिकल पॉइंट है, द्वितीय उपभाग आपका मुख्य पार्ट का मुख्य बिंदु, जितने भी ऐसे से रिलेटेड टॉपिक है आपके उससे ही फैक्ट विश्लेषण आयाम आप प्रस्तुत करेंगे। तृतीय जो उपपार्ट है आपका उसको आप करंट से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको समायोजित करते हैं। और जो निबंध का तृतीय भाग होता है वो होता है भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित। अर्थात इस पाठ के माध्यम से आपका विश्लेषण किया जाता है कि क्या आपको पता है कि वर्तमान में संबंधित टॉपिक से रिलेटेड देश में प्रदेश में क्या की जा रही हैं, ठीक है। और साथ में आप प्रयास करेंगे यदि वैश्विक स्तर पर कोई प्रयास किए जा रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड उस संबंधित टॉपिक पर, तो उसका भी आप अवश्य ही समायोजन करेंगे। तो साथियों ये पार्ट आप कितने लाइन में लिखेंगे ये भी अवश्य नोट डाउन कर लें। साथियों ये पार्ट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर भी नंबर आपको अनिवार्य रूप से मिलता ही मिलता है। तो आप प्रयास करेंगे इसको भी आप क्वामा के माध्यम से, अर्थात जो भी योजनाएं परियोजनाएं हैं उसको आप क्वामा के माध्यम से 7 से 8 लाइन में अवश्य ही कंप्लीट कर लेंगे। और अब आते हैं चुनौतियां। जी हाँ, निबंध का जो चौथा पार्ट होता है वो होता है चुनौतियों से रिलेटेड। जो चौथे पार्ट में संबंधित टॉपिक की जितनी भी चुनौतियाँ आप फेस कर रहे हैं देख रहे हैं उनका आप समायोजन अपने ऐसे राइटिंग में अवश्य ही करते हैं। और चुनौतियों को भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देंगे बल्कि आप 7 से 8 लाइन में जो विभिन्न चुनौतियाँ हैं उनको आप जरूर लिखेंगी क्वामा के माध्यम से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में जाना जाता है और इसी पार्ट के लिए निबंध पूछा जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है निबंध का वो है समस्या चुनौतियों के समाधान का। अर्थात नेक्स्ट पार्ट में जब चुनौती आप लिखते हैं उसके बाद क्या समाधान है उसके बारे में अब आपको लिखना होगा। तो इस पार्ट में आप समाधान पॉइंट को कम से कम 2 पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है, और प्रयास करेंगे कुछ ऐसे सुझाव भी देने का जो आपके अपने थिंक टैंक ने आपको सुझावित किया है। और फ्रेंड्स समस्या की क्या समाधान है और विषय सामग्री को कैसे संग्रहित किया जाए आपको नेक्स्ट क्लासेज में मेरे द्वारा बताया जाएगा। जितना भी ये पार्ट अभी आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया है किस पार्ट से संबंधित विषय सामग्री का चयन आप कहाँ से करेंगे, अध्ययन सामग्री से संबंधित समस्त आपको अध्ययन स्रोत भी मेरे द्वारा बताया जाना है। तो साथियों इस पार्ट में आप अवश्य समाधान के पॉइंट को 2 पैराग्राफ में लिखेंगे, अर्थात 14 लाइन में, 7 और 7 14 और बहुत है तो आप 15 या 16 लाइन में कर सकते हैं। अब हम आते हैं निबंध के अंतिम पार्ट और निबंध का जो अंतिम पार्ट होता है वो होता है निष्कर्ष का। और निष्कर्ष आपका पॉजिटिव अप्रोच पे ही होनी चाहिए, क्यों, उसका कारण है साथियों समस्या कितनी भी हो, जी हाँ समस्या कितनी भी हो यदि हाथ पे हाथ धरकर उस समस्या को देखकर बैठ जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि समस्या के समाधान के लिए आपको अपने कदमों के चाल को आगे बढ़ाना होगा। इस वजह से साथियों आपको पॉजिटिव अप्रोच में वर्क करना होगा और ये आपको अपने निष्कर्ष में भी समायोजित करना ही होगा। और निबंध कैसे लिखें
इसके बारे में भी मेरे द्वारा एक स्पेशल क्लासेज आप सभी के बीच लाया जाएगा। तो साथियों, इन सारे पार्ट को आप अवश्य ही समायोजित करेंगे। आपका अप्रोच सदैव ही पॉजिटिव वे में ही होना चाहिए, क्योंकि आप शासन प्रशासन के हिस्सा इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप समस्या का समाधान कर सके। तो साथियों, इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य ही आंसर राइटिंग अर्थात ऐसे राइटिंग हर वीक अवश्य ही आरंभ करें। हर वीकेंड एक ऐसे जरूर लिखें और जो भी निबंध लिखे उसमें मेरे द्वारा बताए गए इन समस्त पार्ट का अवश्य ही समायोजन करें। ऑल द बेस्ट।